अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूं बुशरा नाज। उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि मेरे देखने वाले जहां भी रहें हंसते और मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों के साए तले रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ मैं यहां पर साग को तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट दिनों मैं अपनी आपी के घर गई थी तो वहाँ से साग आ गया था। उन्होंने हमारे लिए भी रख दिया था फ्रीज करके, क्योंकि उन्होंने गाजर का हलवा भी बनाया था हमारे लिए, तो वो लास्ट स्टेज तक ना पहुंच सका क्योंकि गैस का मसला बन गया था, तो फिर वो भी उन्होंने बना लिया था। फिर हम जल्दी से घर भी आ गए थे और चाय वगैरह भी नहीं पी थी, तो वो भी उन्होंने कहा कि मैंने आप लोगों के लिए अलग से दूध लिया हुआ था, तो वो भी पड़ा था, वो भी बोतल में भेज दिया, साग भी और गाजर का हलवा भी। तो आज मैंने सोचा कि चलें आज साग की तैयारी करूं, क्योंकि ये सर्दियों में खाना बहुत ही अच्छा है और इसके बहुत ही फायदे हैं। साग खाने से इंसान का यूरिक एसिड कंट्रोल में रहता है और ये एंटी ऑक्सीजन होता है, और इसको हफ्ते में 4 बार अगर खाया जाए तो खासकर जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो मैंने साग का नाम क्या लिया कि मेरे बच्चों ने, बस उनको तो ऐसे हो गया कि ये क्या हो गया कि ये तो साग खिलाएगी हमें, तो वो गए और जाके ये गोलगप्पे वगैरह ले आए कि हमने नहीं खाना साग। तो मैंने क्या किया कि मैंने आपसे कहा, लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपके साथ मकई की रोटी भी शेयर करूँगी। मकई की रोटी जो है वो मैदे के लिए बहुत अच्छी है और हाजमा भी दुरुस्त रखती है, तो इसीलिए ज़्यादा सर्दी, जैसे कि अब ज़्यादा सर्दी है तो हमें खानी चाहिए साग के साथ, और हमें तो पसंद है, लेकिन बच्चे अगर खाएं ना खाएं, किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद। तो मैंने सोचा था कि आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर लूँ, तो माशाल्लाह से साग जो था वो भी बहुत ही अच्छा था, क्योंकि ये देसी सरसों का साग था। राई वगैरह का साग हमें ज़्यादा पसंद नहीं, खासकर मुझे तो पसंद नहीं, और मैं इनके लिए भी साग जो है वो रेडी करके रख लूँगी। अच्छा तो फ्रेंड्स, मैं क्या करती हूँ, मैं साग को ऐसे तड़का लगाती हूँ कि मैं कभी भी प्याज नहीं डालती इसमें, क्योंकि हमारे घर पे या मुझे किसी को भी प्याज का तड़का पसंद नहीं है, तो मैं जस्ट हरा लहसुन और हरी मिर्चें और अदरक के साथ इसका तड़का लगा लेती हूँ। तो बाद में मैं हरा धनिया और हरी मिर्चें बारीक बारीक काट कर वो भी इसके ऊपर डाल देती हूँ, और इससे हरे लहसुन से अगर हम तड़का लगाएं तो बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है, क्योंकि अब तो हर चीज़ जैसे सीज़न की सब्जियां हैं और हर चीज़ अवेलेबल है, तो हमें कोई चीज़ को नहीं स्किप करना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी कि आज आपको मैं इतने आसान तरीके से मकई की रोटी बनाने का तरीका बताऊँगी, बगैर आटा गूंदे, ना ही आपको आटा गूंदने का झंझट करना पड़ेगा। ये वाली जो रोटी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये मैं बगैर आटा गूंदे ही बनाऊँगी, और ये गंदम की रोटी से भी बहुत इजी बन जाती है, और बिगनर हैं जो मेरी सिस्टर्स जिनको नहीं आती, उनको किसी और की हेल्प लेनी होती है, किसी बुज़ुर्ग वगैरह की, तो उनकी भी ये, उनके लिए भी ये मसला जो हल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह से ये मैं अब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और यकीनन आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप लोगों से सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक भी कर दिया करें, और कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बात किया करें कि ये मैंने आपके साथ रेसिपी कैसी शेयर की। तो व्यूअर्स, यही आप लोगों का प्यार होता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं एक वीडियो बनाने के लिए, तो अगर आप हमें लाइक नहीं करेंगे तो फिर हाँ, यही तो आप लोगों का प्यार होता है हमारे लिए। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने क्या किया था कि मैंने जितनी रोटियां बनानी थी उसके लिए मैंने पानी एक मिक्सिंग बाउल में डालकर बॉयल करने के रख दिया है,
तो पानी को आपने इतना बॉयल करना है कि वो अच्छे से खोलता हुआ पानी बन जाए, अच्छे से बॉयल आने शुरू हो जाए। तो फिर आपने क्या करना है, मकई का आटा इसमें आपने डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, जैसे कि ये मैं कर रही हूँ यहाँ पर। तो आपको जितनी ज़रूरत है तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही पानी रखें और उसी में उतना ही आटा ऐड करेंगे। तो ये जो आटा है ये मेरा तैयार हो गया, क्योंकि मैंने इसको गूंदना नहीं है। तो ये जब अच्छे से तैयार हो जाएगा तो मैं इसको अच्छे से नीचे चूल्हे से नीचे उतार के इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद ही मैं इसकी रोटी बनाऊँगी और आप देखेंगे कि इतनी प्यारी, और आप चाहें तो जितनी मर्ज़ी इसको बड़ी बना सकते हैं, छोटी बना सकते हैं, ये टूटेगी नहीं। बेशक आप हाथ से बनाएं, जैसे भी बनाएं, बेलने से बनाएं, तो ये कभी भी टूटने नहीं वाली। तो ये देखें, इस फॉर्म में जब ये आटा आ जाए तो फिर आपने इसको बनाना है। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये फूड पॉलीथीन लिए हैं दो, एक को मैं नीचे रखूंगी और एक मैं आपको बताऊंगी कि कैसे रखना है। तो सबसे पहले अगर आप चाहें तो, आपको के पास ये नहीं है तो आप शपर वगैरह घर पे जो साफ है वो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि मैं अपने हाथों को ऑयल कर लूंगी, क्योंकि ये हाथ को ना चिपके। तो अभी मैंने सिर्फ इसका पेड़ा बनाने के लिए इसको प्लेट में अलग से डाल दिया है, ताकि मैं इसको सेट कर लूँ और सेट करके मेरा पेड़े की शेप जो है ना वो अच्छे से बन जाए। तो जस्ट मैं ये इसको सेट कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसका पेड़ा बना लूँगी, और आप देखेंगे कि ये कितनी प्यारी और अच्छी और गोल भी बनेगी और बहुत ही ईजी है, तो टूटेगी भी नहीं। इतना पेड़ा आपने बनाना है जितना कि मैंने यहाँ पर बनाया है। ये फूड पॉलीथीन मैंने इसके ऊपर एक रख दिया है और अब मैंने इसको बेलना शुरू कर दिया है। जितना मर्जी इसको आप बड़ा बेल सकते हैं, जितनी मर्जी आप इसको बारीक बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप मोटी खाना पसंद करते हैं तो मोटी खा लें, लेकिन मैं यहाँ पर इसको बारीक बनाऊंगी, क्योंकि हम मोटी हमें अच्छी नहीं लगती। तो मैंने इसको अच्छे से बेल लेना है और बड़ा सारा कर लेना है। वैसे तो हमें अगर कोई चीज़ काटने के लिए मोल्ड कटर वगैरह भी मिलते हैं, तो अभी मेरे पास नहीं था, तो मैंने ये मेरे एक कंटेनर का ढक्कन था तो वो मैंने यूज़ कर लिया है, और इसको इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। और ये देखिए कितनी गोल बन गई है, और ये ऐसे बनती है कि जैसे कि मैंने तवे पर इसको डाल देना है और ये तवे पर ही फूलना शुरू हो जाएगी। अगर आप पसंद करते हैं कि आप तवे को हटा के फिर चूल्हे पे इसको सेक लें, तो जैसा जिसको पसंद हो वो वैसा ही कर ले, लेकिन मैं इसको सेकूंगी नहीं, क्योंकि हमें सूखी सूखी सी अच्छी नहीं लगती, तो मैं इसको घी लगाऊंगी। और ये देखें, ये तवे पे ही अच्छे से फूलना शुरू हो गई है। बहुत अच्छी और मज़े की बनती हैं साग के साथ। तो वैसे ही साग और ये मकई की रोटी तो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक नेचुरल नेमत है, जिसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे कि अब सीज़न है, तो वैसे भी अगर साग को पका कर फ्रीज़ कर लें या वैसे थोड़ा सा बना लें तो भी मसला नहीं, तो किसी टाइम भी हम खा सकते हैं, और ये मैदे के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो ये देखें, ये अब मैंने इसका बड़ा ढक्कन लिया है, तो मैं बड़े ढक्कन से बड़ी रोटी भी आपको बना के दिखा देती हूँ। ये देखें कितनी प्यारी और गोल बनी है,
और जैसे मर्जी आप इसको बना के पका लेंगे ये टूटेगी नहीं, क्योंकि इसका मैजिक ये है कि जब मैंने खोलते पानी में ये आटा डाल के मैंने इसको कर लिया था, कुक नहीं किया था, बस मैंने इसको मिक्स करके उतार लिया था, तो उसी टाइम ये हाफ कुक हो चुका था। और इसमें लेस भी बन जाती है, क्योंकि इसमें यही एक बात होती है कि इसके आटे को जो बहुत बड़े गरम गरम पानी में इसको गूंदना पड़ता है, तो मैंने कोई नहीं गूंदा, तो इसीलिए ये टूटती नहीं है। जैसे मर्जी आप इसको रखें, जैसे भी आप इसको पकाना चाहें आप पका सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी और ये मकई की रोटियां अगर आपको पसंद आएँ तो कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे ज़रूर बात कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी, और ख़ुद भी बनाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।